सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ, आज हम बात करेंगे जिन विषयों के बारे में, उनको बताना है ना। हाँ, वो अच्छा। तो बताना होगा ही होगा, लेकिन हमारे जो साथी है ना, वो पहले से उन्होंने पढ़ रखा है, तो कथा सुधा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ओ हो हो, हाँ भाई, आज तो सोमवार है और उसका इंतजार तो हम सबको भी है। और आज का जो उसमें कहना चाहिए ना कि रस है, वो हमें लगता है कुछ ज्यादा आएगा, क्योंकि कहानी है वो है आत्मसंगीत जी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, और बहुत सुंदर कहानी, और थोड़ी अलग हटके है, हाँ, है ना। तो हमारे साथियों ने इंतजार के साथ लिखा है कि बड़ी ही खूबसूरत कहानी है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और भाई देखो राजुल बिटिया, ऐसा कि कोशिश हमारी यही है कि ऐसी कहानियां हम लेकर आए जो बहुत कम प्रचलित हों। अब देखिए हमारे प्रयास में हम कहां तक सफल हुए, ये तो आप बताएंगे। इंतजार हमें भी है आपकी प्रतिक्रियाओं का। बिल्कुल। और वैसे हम कोशिश करेंगे कि जो है ना, घर शीतल रहे, थोड़ा सा आप ठंडे ठंडे घर में बैठकर इसको सुन रहे हैं कार्यक्रम को, आत्मसंगीत का भी मजा लेंगे आप। हमारे बहुत से सारे साथियों ने घर को शीतल रखने के लिए बहुत सारे टिप्स भी भेज दिए हैं कि वो क्या क्या करते हैं। और एक साथी ने ये भी बता दिया कि भाई ऐसा है कि पानी बरस गया तो कल सारे टोटके बेकार चले गए थे लेकिन पानी बरसा तो थोड़ा सा आराम आ गया। यानी कि प्रकृति जो शीतलता देती है वो लाजवाब है, वो लाजवाब है, वो कहीं से भी नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, देखो ना, आप गाड़ी है या कोई भी वाहन हम जब खड़ा करते हैं कहीं, ऐसे पार्क करते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई थोड़ी छाया रहे, आजकल खासतौर से। तो जब आप किसी दीवार के मतलब छाए में, साए में उसको खड़ा करते हैं, या किसी कमरे में या वैसे रखते हैं, वो उतनी ठंडी नहीं होती है, चाहे वो बिल्कुल खुले में, धूप में, बस एक पेड़ की छाया हो और दरख्त के अगर किनारे आपने लगाया है, तो उसकी शीतलता एकदम अलग होती है। तो बस वही है ना, आपने कहा कि जैसे कि प्रकृति की सुंदरता की कोई बात ही नहीं होती, तो पेड़ पौधों की भी बात की गई है जो हमारे साथियों ने लिखा है जी। और आज हम सखी विशेष में बात करेंगे एक ऐसी साहित्यकार की जो बड़ी ही निराली है, जिन्होंने स्त्री विमर्श पर लिखा, जिन्होंने सामाजिक संगतियों पर लिखा। हम अजीत कौर जी की बात कर रहे हैं जी। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और बच्चों के बारे में बात करेंगे। आज उनके लिए खास दिन है, और उनके लिए दिन नहीं है बल्कि ये कहें कि हम लोगों के लिए एक चेतावनी का दिन है। जो बाल श्रम हम उनसे करवाते हैं उसके बारे में है, यानी कि आज का दिवस है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो ये सब बातें हम करेंगे, एक गाना सुन ले। हाँ बिल्कुल। जो वादा किया वो निभाना पड़े, माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है, जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। Thank you.
सदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो वादा जो हम करते हैं अपने आप से कि हम कभी कोई भी गलत चीज देखेंगे जी तो आप खुद गलत नहीं करेंगे जी, और देखेंगे तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो आज उसी कोशिश करने का दिन है जी। हाँ बिल्कुल है, लेकिन पुरजोर कोशिश करने का दिन है, यूं ही बस कह के टालने वाला दिन नहीं है। और वायदा एक बात और है कि ये तो खुद से किया हुआ वायदा है, दूसरा है कि जिस बच्चे को हम जन्म देते हैं या जिस जो ये धरती पर आया है, भले ही हमने जन्म न दिया हो, प्रकृति ने उसे जन्म दिया है, तो उसका बचपन उसका है, वो उस बचपन को कह सकते हैं जी सके, ये हमारा कहना चाहिए कर्तव्य है। तो ये भी तो एक तरह के वायदा है ना, बचपना जो हमने शब्द दिया है वो कहीं ये खो ना जाए, बहुत जरूरी, किसी का भी ना खो जाए। और बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम यही कहेंगे, जब कोई भी किसी बच्ची या बच्चे से काम करवाते हैं तो ये समझना जरूरी है, हमारे अपने भी बच्चे हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि घरों में लोग छोटे बच्चों को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पैसे भी कम देने होते हैं और काम मनचाहा करवाते हैं, उनके मन से दया नाम की चीज नहीं होती उनके मन में, और बच्चे जिनका फूल सा जीवन मुरझा के रह जाता है। बच्चे देश की शान है, उन्हें जीने दो और आगे बढ़ने दो। यहाँ डॉक्टर बशीर बद्र साहब की लिखी हुई कुछ लाइन याद आ रही हैं। परिंदों को उड़ने दो शोक हवाओं में, परिंदों को उड़ने दो शोक हवाओं में, लौट कर फिर बचपन के जमाने नहीं आते। बहुत खूब। एक और संदेश बुआ लिखा है, जिन बच्चों की उम्र खेल कूद की पढ़ाई की हो, उस उम्र में उनसे मजदूरी कराना ये अक्षम्य कानूनी अपराध है। फिर भी देश में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनको अपने परिवार के पालन करने के लिए बच्चों से मजबूरन मजदूरी करवानी पड़ रही है, ये भी हकीकत है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल इसी दिन मनाया जाता है, इसी दिन मतलब 12 जून को। जी हाँ। और ये सिलसिला शुरू हुआ था 2002 से। लेकिन जिस उद्देश्य से शुरू हुआ था उस उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है, और ये इस बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ लिखकर भेजा है। बच्चों का बचपन उसके जिंदगी का सबसे नायाब पल होता है, लेकिन कई मासूम बच्चों को रोज खेलने कूदने की उम्र में भी होटल ढाबे भीख मांगते आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों की चिंता पढ़ाई से नहीं बल्कि मेहनताने से लेकर चलती है। परिवार के खराब हालत या अन्य कारणों से आज भी छोटे उम्र के बच्चे श्रम से जुट गए हैं। कोई होटल में बर्तन धो रहा है, कोई पानी पिला रहा है, तो कोई मोटर मैकेनिकल की दुकान पर पंचर बनाते आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल बाल श्रम बचपन पर गरीबी का अभिशाप है। वैसे तो कहा जाए बाल श्रम एक छोटा सा शब्द है, लेकिन चार अक्षर के इस शब्द में छिपी न जाने कितने मासूम बच्चों के बचपन की स्याह मजदूरी की दास्तां है। बहुत खूब, बहुत इन्होंने मतलब संवेदनापूर्ण बात कही है। एक संदेश में लिखा है कि बच्चे दुनिया के सबसे मूल्यवान संसाधन हैं और भविष्य के लिए इनकी सबसे इसकी सबसे बड़ी सबसे अच्छी उम्मीद है। बच्चे मानवता का सबसे बड़ा उपहार है और उनकी हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। और फिर इन्होंने आगे बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, घरेलू मदद के रूप में दुकान में सामान बेचने के लिए और कई अन्य काम जो छोटे बच्चों को नहीं करने चाहिए। सबसे खतरनाक हिस्सा है जब ये बच्चे जबरदस्ती ड्रग पेडलिंग वेश्यावृत्ति जबरन भीख मांगने चोरी करने और कई अन्य अवैध कामों में लगे होते हैं जो बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और बड़े होने पर गहरा निशान छोड़ जाते हैं। ये तो ऐसे काम है जो बड़ों को भी प्रभावित करते हैं, उनमें बच्चों का बचपन झोंकना निसंदेह बहुत गंभीर मुद्दा है, अपराध है। बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार लगभग 40,000 बच्चों का देह व्यापार के लिए अपहरण किया जाता है और लगभग 11,000 का पता नहीं चल पाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पटाखों के कारखानों में काम करने वाले लगभग 90% बच्चे अस्थमा नेत्र रोग और टीबी से पीड़ित हैं। उनमें से कई मनोवैज्ञानिक शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार के शिकार भी पाए गए हैं। बहुत से बच्चे जो नशीली दवाओं की तस्करी जैसे अवैध काम करने के लिए मजबूर हैं, उनमें गंभीर अवसाद और चिंता, आत्मविश्वास की कमी, सोने में परेशानी, ये सब समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ये सब समस्याएं तो मतलब क्या कहा जाए, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए जो बचपन छिनता है वही अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। इन्होंने वाकई बहुत संवेदनशील बातें की हैं, बहुत
चिंतित करने वाली बातें की हैं। और गंभीर मुद्दा यही हमारे साथी लिखते हैं, हमारे देश में भी बाल श्रम से जुड़ी खबरें अक्सर आती रहती हैं, ऐसे में आज की तारीख यानी 12 जून को हर साल पूरी दुनिया एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाती है ताकि बाल श्रम के महाजाल से मासूम बच्चों को मुक्त कराया जा सके, साथ ही उनके साथ हो रहे शोषण और उनके अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। बुआ, हर साल की जैसे थीम होती है तो इस साल की थीम है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम का अंत, ये इस बार की थीम है। वैसे अगर ये देखा जाए तो बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन बच्चों तक मदद पहुंचना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो बाल श्रम में लगाने वाले लोगों का जाल है ये इतना बड़ा है कि इसको काटना या इसके पार पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि बड़ा व्यापार है ये एक तरीके से कहा जाए, और उन सीधे सीधे उनका उसमें मुनाफा जुड़ा हुआ है, और मतलब एक पूरे व्यापार कर रहे हैं, धंधा है उनका ये, तो उसको वो नहीं छोड़ सकते। अब ये जो फिर बात आती है जो करवा रहे हैं ये उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा है बल्कि, है ना। ठीक है, जो हमारे एक साथी ने लिखा है कि अपने बच्चों से तो हम इस तरह के काम नहीं करवाएंगे, करवा सकते, तो ये सोच कर देखें कि अगर किसी बच्चे को आप इस तरह के किसी काम में लगा रहे हैं या घर में साफ सफाई के लिए भी आप अगर लगवा रहे हैं तो एक बार सोचें आपकी कि कहीं आपका बच्चा यही अगर कर रहा होगा, आपके घर में जो काम करने वाला राजू है क्या वो वही काम कर रहा होता अगर वो आपका बच्चा होता जी, या राजू में अगर अपने बच्चे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो शायद ये काम नहीं करवा पाएंगे, है ना। बिल्कुल। जरा ओ जाने वाले खैर, जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, पत्ते बैठे आंख लगाए, हम्मत वाले पालिश वाले, हम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, पत्ते बैठे आंख लगाए, हम्मत वाले पालिश वाले, हम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा ओ जाने वाले। पालिश एक आना, ये ब्राउन पालिश एक आना, जूते की मालिश एक आना, हर माल मिलेगा एक आना, ना ब्रेक मुनाफा खोरी है, ना पगड़ी है, ना चोरी है, छोटी सी दुकान लगाए, हम्मत वाले पालिश वाले, हम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा हो जाने वाले। मेहनत का फल मीठा मीठा, हाँ भई हाँ रे, भाग किसी का रूठा झूठा, ना भई ना रे, मेहनत की एक रूखी रोटी, हाँ भई हाँ रे, और मुफ्त की दूध मलाई, ना भई ना रे, लानत जो फोकट की खाए, लानत जो हराम की खाए, हम्मत वाले पालिश वाले, हम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा ओ जाने वाले बाबू मित्र गोरे काले, सबसे बैठे आंख लगाए, हम्मत वाले पालिश वाले, हम्मत वाले पालिश वाले, खैर जरा ओ जाने वाले। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं, हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं, पंडित को पांच चवन्नी है, अपनी तो एक ही कन्नी है, फिर भेदभाव ये कैसा है, जब सबको प्यारा पैसा है,
ऊंच नीच कुछ समझ न पाए। हम मत वाले पालिश वाले, हम मत वाले पालिश वाले, है जरा हो जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आज जगाए। हम मत वाले पालिश वाले, हम मत वाले पालिश वाले, है जरा हो जाने वाले। ये फिल्म थी बूट पॉलिश जी। इसमें बच्चों का ये संघर्ष बड़े उस तरह से निकला था गया। हाँ। और वो कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें बच्चों को इस तरह से काम करते हुए दिखाया गया है जी। बाद में भी, पहले की भी फिल्में थी और बाद में भी ऐसी बना था। अभी जो स्लम डॉग करोड़पति या फिल्म आई थी, उसमें भी यही बात थी कि बच्चों का जो बचपन खोते हुए बच्चे हैं वो किस तरह से रहते हैं। या सलाम बॉम्बे जो आई थी उसमें भी इसी तरह की बात थी। ये तो फिल्मों की बात है। और राजुल, अगर हम बहुत, अब फिर आकाशवाणी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने भी बनाए, जैसे तो नन्ही उम्र के सपने, तब उसमें सब्जी बेच रहे बच्चे हैं, या जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया पंचर बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, इन सब से बातें की गई। हम लोगों ने भी किया, हमारे बहुत सारे और साथियों ने भी किया जो प्रसारण से जुड़े हैं, और सीधे हम लोगों ने बात की। तो जैसे एक जो कचरा बिनती है लड़की, उससे जैसे बात की, तो वाकई लगता है कि कितनी आंखों में चमक है जब अगर आप उनके सपनों की बात करिए कि तुम क्या सपने देखती हो, क्योंकि इस दृष्टि से तो हमने कभी उनसे बात ही नहीं की। तो जब आप बात करेंगे तब दिखता है कि उनकी आंख में अभी भी वो बचपना वाला चमक है, और हम उसको कहाँ से छीन रहे हैं उनसे। तो एक बच्ची ने ऐसे ही कहा कि, हमने कहा तुम कबाड़ ये बिनती हो गंदा गंदा, तो गंदा नहीं लगता है। बड़े उसने बेबाक तरीके से कहा, नहा लेते हैं उसके बाद। फिर हमने कहा शादी का क्या सोचा है। उसके माता पिता कोई नहीं थे और ऐसे ही वो सब बच्चों के साथ रहती थी। तो बोले हाँ शादी तो समय से करनी है। हमने कहा क्यों। अब देखिए उस उम्र में, उस जहाँ उसकी परवरिश कोई ठीक ठाक देने वाला नहीं है, फिर भी ये चौंकाने वाला उसका जवाब था, कहीं ऊंच नीच हो जाएगी, इसलिए उम्र हमारी समय रहते शादी तो हमें करना है। देखा क्यों, कहीं गलत कदम ना पड़ जाए मेरे कहीं। तो ऐसी दुनियादारी की बातें भी उसको जान भी पता थी, ऐसे दिल तक ये बात पहुंच गई कि इस बात का जो है मतलब जानकारी उसको भी है, ये समझ भी उसको हो गई। तो जैसे लगता है कि प्रकृति ने सब कुछ दिया हुआ है, हम उससे छीनते जा रहे हैं छीनते जा रहे हैं। तो भाई इस दिशा में थोड़े से बदलाव कर देते हैं। राजुल बिटिया, बड़ा तकलीफ देह विषय है, और दोस्तों आप समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब ये है कि इस पर अब हमें कार्यवाही करनी चाहिए, कदम कुछ ठोस उठाना चाहिए, बातों से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सही कहा। तो बुआ, बात को थोड़ा सा हम अलग एक मोड़ देते हैं और कुछ लिखने पढ़ने वाली बातें कर लेते हैं। हाँ, तुम बात करोगी कि आप, क्योंकि दिल भारी हो गया है, कूड़ा कबाड़ा ले आओगी उनका, अजीत जी का खाना बदोश है। हाँ, है ना, इन्होंने लिखी है और बहुत कहना चित्रण बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है। इनकी बहुत सारी कहानियां, 19 कहानी संग्रह हैं, 3 उपन्यास हैं, बहुत काफी लिखती हैं ये। इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1934 को लाहौर में। लड़की थी तो इस वजह से उस जमाने में पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी नहीं मानी जाती थी, तो किसी ढंग के स्कूल में इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई गई। एक बार किसी ऐसे ऐसे स्कूल में इनका नाम लिखवाया गया, पर फिर वापस उन्हें हटा लिया गया वहां से। फिर उन्हें पंजाबी उर्दू की शिक्षा घर में ही दिलवाई जाने लगी। और इस बीच जो प्रसिद्ध लेखिका थी अमृता प्रीतम जी, उनके पिता ज्ञानी करतार सिंह हितकारी जी उनके घर आए, तो उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। और फिर उन्हीं की मदद से उस समय पंजाब में एक डिग्री मिलती थी, बुद्धिमानी, क्या बात है, तो ये डिग्री उन्हीं की मदद से वो ले पाई। तो भाई इस तरीके से कहना चाहिए ना, जैसे तैसे टुकड़े टुकड़े में वो कभी कुछ तो कभी कुछ पढ़ाई करती रही। और फिर अमृता प्रीतम जी के पिता के संपर्क में आने के बाद उनमें लिखने का चाव जाग गया और कहानियां लिखने लगी, जो कुछ पत्रिकाओं में छपी भी, पर उनके पिता जी जो दारजी को पसंद नहीं था, इस वजह से वो छुप छुप कर पढ़ती और लिखती। लिखना न पिता को पसंद था, न फिर बाद में पति को, दोनों ने इस पर रोक लगाई, पर उन्हें तो इस क्षेत्र में आना था, चाहे जैसे भी हो उन्होंने लिखना जारी रखा। तो ये कैसी विडंबना थी कि छुप छुप कर लिखना, लेकिन अपनी रचनाशीलता को बिल्कुल रुकने नहीं दिया। हाँ, जीवित रखना। देश का विभाजन जब हुआ तो वो परिवार के साथ उस वक्त शिमला घूमने आई थी, फिर लाहौर तो नहीं लौटी वो, कुछ समय जलंधर में रही, उसके बाद पूरे परिवार जो है वो दिल्ली चला आया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में बीए की परीक्षा पास की, उसके बाद फिर पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा एक
कैंप दिल्ली में खोला गया था, कैंप कॉलेज, वहां से उन्होंने एमए किया। और देखो एमए की बात आती है तो इंग्लिश में उनका मन था, लेकिन इंग्लिश का जो पीरियड था रात 8:30 बजे ख़त्म होता था, और फिर घर वाले तैयार नहीं हुए तो फिर जाहिर है इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया और पास भी कर लिया, जबकि इस विषय में उन्हें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, भाई इंग्लिश चाह रही थी ना। शादी के बाद उन्होंने बीएड की डिग्री भी हासिल की, और इस तरह से पढ़ते हुए हालातों से जूझते हुए उन्होंने अपनी रचना यात्रा को जारी रखा। अब तक उनकी 19 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 1 रेखाचित्र, 1 यात्रा संस्मरण और आत्मकथा की 2 पुस्तकें खानाबदोश और कूड़ा कबाड़ा प्रकाशित हो चुकी हैं, और अनेक कहानियों का भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 5 कहानियों पर टेलीफिल्मों का निर्माण भी हुआ है। सन 1985 में आत्मकथा खानाबदोश पर साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से सम्मानित किया गया। गुलबानो और महक दी मौत, बुत शिकन, फालतू औरत, सावियां चिड़ियां, मौत अली बाबा दी, ना मारो, नवंबर 84, ये इनके कहानी संग्रह हैं जो मुख्य में से। एक और बहुत खास बात है, फाउंडेशन ऑफ स्वार्क राइटर्स एंड लिटरेचर की ये प्रेसिडेंट रही हैं। बहुत बड़े सम्मान की बात है। और कई देशों में सार्क देशों के लेखकों की कॉन्फ्रेंस का इन्होंने सफल आयोजन किया है, मतलब लिखने पढ़ने वाले मिलते रहे और उनमें एक सेतु बना रहे लिखने पढ़ने का। इनका लेखन जीवन की जटिलताओं को समझने और उसके यथार्थ को उकेरने की एक ईमानदार कोशिश है, जिसमें नारी का संघर्ष और उसके प्रति समाज का असंगत दृष्टिकोण रेखांकित होता है, साथ ही सामाजिक विकृतियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जोरदार मुहिम भी नजर आती है। पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाइयां लड़ी। तो मतलब सामाजिक रूप से अपने दायित्व को समझते हुए भी इन्होंने बराबर ये लगी रही हैं। इनकी आत्मकथा कूड़ा कबाड़ा का एक अंश है जो मिला तो सोचते हैं कि इसे साझा किया जाए। जैसे कड़ाक की आवाज से कोई बहुत पुराना दरवाजा टूटता है, मेरे अंदर भी शताब्दियों से बंद पड़ा कोई दरवाजा टूटा, अपने सभी जंग खाए कीलो कब्जों सहित शताब्दियों से बंद पड़ी हवा आह लेकर बाहर निकली और फिजा में घुल गई, अंदर लटकते जाले सूरज की नंगी रोशनी में कांपने लगे, आंधी में जैसे तिनके उड़ जाते हैं मेरे सारे डर खौफ उड़ गए। सबसे जरूरी थी जिंदगी, अपर्णा की जिंदगी, जिसकी मैंने हिफाजत करनी थी। सबसे जरूरी था अपर्णा को सिखाना कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए। सबसे अहम था अपने विवेक की आवाज सुनना। अब मैं सुन रही थी, कितना कुछ गंवाने के बाद सुन रही थी मैं वो आवाज। सोचती हूँ यही वो मुकाम था जब मैं सही अर्थों में लिबरेट हो गई थी। सारी परंपराओं के खौफों से, डरों से आजाद, आजाद और मुक्त, ये आजादी कैंडी का उपहार है हम दोनों को, मुझे और अपर्णा को। मैं न तो तब लिबरेटेड महसूस करती थी जब अपनी रोटी खुद कमाती थी, न तब जब सारी परंपराएं तोड़कर दार्जी और पति के घर की सभी दीवारों का सहारा छोड़कर बाहर निकली थी, न तब जब मैं अकेली अपनी बच्चियों को पाल रही थी, पढ़ा रही थी, हर समय डर और खौफ में घिरी रहती थी। लेकिन अब मैं किरच किरच टूटी हुई, टुकड़ा टुकड़ा बिखरी हुई भी साबुत थी, क्योंकि कैंडी शहीद होकर मेरे सभी डर और खौफ सामने ले गई थी। अब मैं किसी से नहीं डरती, न ही अपर्णा को किसी से डरने की इजाज़त देती हूँ। इस लिबरेशन की कितनी बड़ी कीमत अदा की है मैंने, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और बुआ, अभी अभी खाना बदोश का भी एक अंश मिला है, उसको भी हम सोचते हैं कि जरूर पढ़ लिया जाए। इस बे इंतहा शोर वाले घर में एक खामोश और बिल्कुल अलग तरह का लड़का था, कज्जन। कैंडी और वो मिलकर किताबों की बातें करते, म्यूजिक सुनते, सैर करते। ऊपर वाले घर में क्योंकि किताबों के लिए और संगीत के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए कज्जन को जैसे हमारे घर में पनाह जैसा एहसास होता था। जब भी वो दोनों मिलकर बैठते, नीचे वाले किताबों से और रिकॉर्डों से भरे हुए घर में ही, यानी हमारे घर, कज्जन कहता, उस हीरो वाले पैसे से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तो कुछ और करूँगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा और अपने आप को कैंडी तेरी दोस्ती के काबिल बनाऊंगा। तो क्या बात है, बहुत सुंदर चित्रण है। इस तरह से कहानी को एक नया आयाम देते हुए उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, और ये एक खास बात है बुआ कि जब कलम हमारे हाथ में होती है तो कई बार हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं जी। और फिर हम सिर्फ कल्पनाशीलता ही नहीं सिखाती कलम,
बल्कि उन मुद्दों पर भी लिखना सिखाती जो हमने जिंदगी से सीखा, ताकि दूसरों को भी एक सीख मिले। हाँ, यानी कि आपने अपने लिए तो रहा एक तरह से आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन दरवाजे खोल लिए हैं, तो बाकी सबके लिए भी दरवाजे खुल सकें आपकी उस कहानी को पढ़कर, आपकी दास्तां को पढ़कर। यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेरणा होती है, सबक होती है ये सारी कहानियां इस तरीके की। और सामाजिक सरोकार की जब बात आती है तो ये कहानियां बहुत मायने रखती हैं, है ना? बिल्कुल, एक बदलाव भी ले आती हैं ये कहानियां, इस तरीके की बातें जो होती हैं। साहित्य जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, धीमे धीमे करता है लेकिन करता जरूर है, है ना? बिल्कुल, आप जैसे कुछ पढ़ना और फिर उसे लिखना, हाँ, अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उसके बाद किसी के दिल तक पहुंचना ये और भी बड़ी चुनौती की बात होती है, ना? तो इनकी लेखनी ऐसे ही चलती रहे और हम ऐसे ही सुंदर सुंदर किताबें रचनाएं पढ़ते रहें। वैसे बुआ, जब भी ऐसा होता है कि कोई लीक से अलग हटकर चलने की कोशिश करता है या कोई कुछ खोकर दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है, जैसे हम बाल श्रमिकों की ही बात करें, अगर कोई बच्चा छुड़ा लिया जाता है, ऐसे किसी व्यापार में लगा हुआ है और वहां से छुड़ा लिया जाता है, तो कई बार हम ही उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं कि वो सीधा चल ना पाए। हाँ, ये बात तो है। सबसे बड़ी बात जो तुमने ये मुद्दा उठाया, ये बिंदु उठाया, ये वाकई बहुत बड़ा है। इस पर सोचना चाहिए कि उसके बाद क्या, है ना? आजादी मिल गई उसके बाद क्या, या इस बच्चे को हमने छुड़ा लिया लेकिन क्या हम उसको सच में उसका बचपन दे पा रहे हैं? हमने ये तो कर लिया कि चलो ठीक है, और हम क्या यहीं तक हमारी ड्यूटी है या यहीं तक हमारा कर्तव्य है कि हम उससे वो काम ना करवाएं जिसके लिए निषेध है, या कहीं ना कहीं उसको वो खुशी दें जो वो करना चाहता है, वो दिलवा सकें, या कुछ नहीं तो कम से कम खेल कूद तो सके, वो आज़ाद जिंदगी तो जी सके, क्या हम वो करवा सकते हैं? बिल्कुल, है ना? तो ये सब सोचना है। बुआ, फिलहाल एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। जी, हो गया पूरा और हम वापस लौट आए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। जी बुआ, बहुत देर से मन मचल रहा है। किस बात के लिए? एक गीत के लिए। अच्छा, गीत सुनना है? हमने सोचा तुम कुछ और फरमाइश ना कर दो भाई, हम तो डर गए। खैर, ये कार्यक्रम जो है हमारा सखियों से बातें करने का है, बातें साझा करने का है, गीत संगीत का भी तो है।
बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए घूमने आंगन बगिया। सुन लिया हमने, बहुत सुंदर। और देखो हमारे साथियों ने बातें और आगे भी बता दी हैं कि खाना बदोश के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2006 में, पद्मश्री से अलंकृत किया गया। पूरी दुनिया से जब 1000 प्रतिबद्ध महिलाओं को अमन के लिए जिंदगी समर्पित कर देने के उपलक्ष्य में 2 साल की खोजबीन के बाद नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इकट्ठा किया गया, तो अजीत कौर भी उसमें शामिल थी। अजीत कौर कहती हैं कि मैं तो मैड ड्रीमर हूँ, पागल अपने सपने साज सिर्फ नासमझी के लिए के काम किए हैं, सिवाय इसके कि विलक्षण प्रतिभा संपन्न बेटी अर्पणा कौर को जन्म देकर उसे बड़ी मोहब्बत से तराशा भी हो। उसका नाम लेकर वो गर्व से कहती है, हाँ मैं अर्पणा की माँ हूँ। अर्पणा उनकी दूसरी बेटी है और बहुत अच्छी चित्रकार है वो जी। और जो इन्होंने जिक्र किया था पहला, इसके पहले जो शहीद हो गई है बेटी, हाँ। वो उनकी दूसरी बेटी थी, तो एक बेटी को उन्होंने खोया और इसके बाद फिर उस पूरे अनुभव को उन्होंने इस तरह से लिखा, हमारे सामने लेकर आई। और भाई हमारे साथी कह रहे हैं कि क्या ये सखी सहेलियों का ही केवल मंच है? नहीं नहीं नहीं, सखाओं का भी मंच है। हाँ, कितने प्यार से आप लोग बातें करते हैं और हम लोग स्वागत करते हैं आप सबका, और आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अभी जैसे हमारे एक साथी ने ही इस बात को आगे बढ़ाया है, अब हम कार्यक्रम आगे बढ़ाए। बुआ अब भाई ऐसा है कि जब गीत की फरमाइश ना कर देना। नहीं नहीं नहीं, गीत की नहीं, अब हम गाने की नहीं सुनाने की फरमाइश करेंगे। सुनो कहानी सुना रहे। अरे वाह क्या बात, तो है कथा सुधा का ये अंक सुन लिया जाए। बिल्कुल। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कम सुनी कहानी आत्मसंगीत। आत्मसंगीत क्या है? सब कुछ न्योछावर कर देना क्या है? इस असार संसार को छोड़कर उस परम तत्व में विलीन होने के लिए आत्मा की तड़प क्या है? इस भवसागर को पार करने के लिए सब कुछ त्यागना क्या होता है? क्या होता है जब एक बड़े देश की रानी भक्ति में लीन हो जाती है? क्या है आत्मसंगीत? क्या है सुख? इन्हीं सबके इर्द गिर्द घूमती प्रेमचंद की कहानी आत्मसंगीत प्रस्तुत है आपके लिए। आत्मसंगीत
आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थी जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वो व्याकुल हो गई जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वो अधीर हो उठी जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वो उठी और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टि बचाती हुई महल से बाहर निकल आई जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरिता तट पर कंटीली झाड़ियां थी, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें, शव थे, उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था, वो घंटों चलती रही, यहां तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, किनारे पर एक नौका दिखाई दी, निकट जाकर बोली, माझी माझी, मैं उस पार जाऊंगी, इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। अरे, रात को नाव नहीं खोल सकता माझी, हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान का जोखिम है। मैं रानी मनोरमा हूँ, नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी तुझे। रानी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता, रानियों का इसमें निभा नहीं। क्यों भला चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खिंचे चले जाते हैं। क्या इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। आप ही कह दे, अब मैं गंवार क्या जानू के रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मेरा ये हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला, उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट आ गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, आह, कितना मनोमुग्ध करने वाला राग है। माझी माझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मैं इस हार को लेकर क्या करूंगा? अरे, ये सच्चे मोती है, ये और भी विपत्ति है। लो, माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वो सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटेगा, मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा, लोग चोरी का अपराध लगाएंगे,
नहीं नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी, चल। लेकिन देर ना कर, मुझे अब धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राह की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है? अरे मैं जो देती हूँ वो लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय के समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूँ माझी। हाँ, और क्या दीजिएगा माझी? मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हाँ, तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया होगा। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं है। महल? उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? क्यों? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वो महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा मुझे। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ है? इतना माल असबाब कहाँ है? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीले घोंसले बनाएंगी। क्या करूंगा उस महल का? मनोरमा अचानक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेश जनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तो फिर माझी अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? कितना विरागजनक राग है ये, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। हाँ, पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, और गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोई हल्की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है, इसमें झरनों का सा जोर है और आंधी का सा बल। इसमें वो सब कुछ है जिससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। माझी शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की ये सुगंध है और जिस दीपक की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट बैठा है। माझी, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। हाय, तो अब तुझे क्या दूं? ये संगीत नहीं है, ये एक सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। ये समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल, मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी माझी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बुहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर, मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु
शुष्क हो चला है। अब इस चाह में दाह है, अब ये सिर तेरे चरणों में है माझी, तेरे चरणों में है बस। ये कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त सी अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वो मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि वो हवा में उड़ी जाती है। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मविस्मित सा भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वो स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां, प्राण पोषणी ध्वनियां उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कम सुनी कहानी आत्म संगीत। वाचन स्वर सूत्रधार जी श्याम, रानी माँ रेणु चतुर्वेदी, चौधरी जयंत पात्रीकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो बुआ, कथा सुधा का ये अंक सच में बोलने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल जैसे डूब गए इस आत्म संगीत में। और हमारे श्रोताओं को, सखाओं को, सखियों को कैसी लगी है कहानी जरूर बताएंगे। और ये आत्म संगीत यानी कि हमें अपने अंदर देखना होगा और हम खुद इसके रचयिता होते हैं। जरूरत है उस समर्पण की, उस तरह से अपने आप को न्योछावर कर देने की। बिल्कुल। अच्छा बुआ, हमने बात की थी ना कि घर को शीतल कैसे रखा जाए। इस तरीके का संगीत सुना, यानी कि मन शांत रखें, है ना। बिल्कुल।
तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। हमारे साथियों ने लिखा है, गर्मी में शीतलता बड़ी टेढ़ी खीर है। सुना है राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए घरों में पानी के टैंक बनाए जाते थे, जिससे मिट्टी की ठंडी रहे और फर्श भी ठंडे रहते थे। हमारे वहाँ पहाड़ों में ऐसे मकान बनते थे जो लकड़ी के होते थे। ऐसे मकान गर्मी में ठंडे, जाड़ों में गर्म होते थे। आज पूरी तरह ईंट पत्थर के हैं, भले पक्के हैं लेकिन प्रकृति के अनुकूल नहीं है। ये बात तो है जी। तो भाई प्रकृति के अनुकूल करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। हाँ, कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। लिखा है ना, तो साथियों ने लिखा है कि सारे घर को शीतल करने के लिए बचपन में पहुंच गए हैं ये। हाँ, हम पर्दों को गीला कर देते थे, वो भी बड़ा मजेदार होता था बुआ जी। दोपहर के पहले ही दरवाजों को हल्का सा खुला रखने के लिए कुछ कपड़े फंसा कर रखते थे ताकि कूलर से सफोकेशन ना हो। कूलर में पानी भरना, उनके उसके खस को गीला करना, पानी की बोतल भरना, ये सभी कार्य खुशी से करते थे। छुट्टियां भी होती थी, अब तो बस एसी ऑन करो बस, फिर भी गर्मी झेलो, फिर भी गर्मी। ये भी बात है, आजकल गर्मियां और भी ज्यादा कठोर और असहनीय होती जा रही है। घर के आसपास जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही तापमान कम होगा। स्नेक प्लांट, एलोवेरा, पाम ट्री जैसे पौधे घर के तापमान कम करते हैं। खस की टाट को पानी में भिगो कर दरवाजे खिड़कियों पर टांगने से भी घर ठंडा रहता है। इसके अलावा घर की बालकनी में क्रीपर प्लांट लगाएं, ये बेल या लता के रूप में बढ़ते हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं, साथ ही घर को ठंडा रखते हैं। हमारे साथी ने एक और आगे की बात भी कह दी है कि एक मिनी बगीचा अपने घर में बनाएं। हाँ। और ऐसे पौधों में निवेश करें जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। कुछ पौधे घर के वातावरण से धूल और कार्बन को अवशोषित करते हुए वायु को शुद्ध करने में मदद करते हैं। घर के प्रवेश द्वार और बरामदे के आसपास पौधों को रखने से गर्मी के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और घर के अंदर भी पौधे लगा सकती हैं, बिल्कुल, घर में शीतलता का एहसास दिलाते हैं और इनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से पूरा घर ठंडा रहता है। लेकिन भाई इसका क्या करें, सुबह सुबह तो पानी का टंकी ठंडा रहता भी है लेकिन जैसे 9 बजते बजते ऐसा गर्म हो जाता है जब तक कि शावर का पानी 10 मिनट तक नहीं खोल कर रखा जाए नहाना मुश्किल हो जाता है। अब टंकी का पानी ही गर्म हो तो घर में शीतलता कहाँ से आ जाएगी। राजू जी आपसे पूछा गया तो भाई सुबह सुबह नहा लें, है ना। हाँ, गर्मियों में सुबह जल्दी नहाएं। हाँ, और ताकि वो 10 मिनट आपको वो भी बर्बाद ना करना पड़े। और ये संदेश है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस भयंकर गर्मी में शीतलता लाएं तो कैसे लाएं। बुआ जी, हर दिन सुबह सुबह हर घर में यही चल रहा है कि भगवान अब बस करो, बहुत हो गया। घर में शीतलता लाने के लिए पंखे और कूलर तो साथ दे रहे हैं लेकिन गर्म हवा के प्रकोप से वो भी मार खा जा रहे हैं। बस घड़े के पानी पीने के बाद थोड़ी शीतलता का अनुभव थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन भाई ऐसा है कि इन्होंने तो नया कूलर खरीद लिया, अपना पुराना कूलर घर में काम करने वाले को दे दिया है। इतनी खुशी हुई, रोज कहती है आपकी वजह से हम सब रात में ठंडे में सो पा रहे हैं। तो मेरा काम का नहीं था पर किसी काम आया, अच्छा लगा, थोड़ा सा ठीक करवाया। तो कहना ये चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कूलर है तो काम नहीं आ रहा है तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, नया कूलर खरीद लीजिए, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, है ना। और क्रॉस वेंटिलेशन रखने की भी बात कही है, मोटा मोटा पर्दा लगा लीजिए, मोटा पर्दा लगा लीजिए। और कुछ बहुत गाढ़े रंग का प्रयोग ना करिए, जो चादर पहनने के लिए ना, हल्का हल्का देख के भी अच्छा लगता है। समय से काम करिए, समय से, समय कह रहा है कि हम जा सकते हैं तो भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं। आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।